वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे साड़ी को ऐसे वेयर कर सकते हो। दिस इज़ लाइक अ बंगाली स्टाइल साड़ी, बट नॉट परफेक्टली बंगाली स्टाइल साड़ी, क्योंकि हम नॉर्मली जैसे साड़ी को वेयर करते हैं, इसके साथ ही मैंने बंगाली स्टाइल का एक मिक्स किया है। ये एक बहुत ही कॉमन साड़ी पहनने का स्टाइल है, वेडिंग में पहनते हैं बहुत लोग, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, स्पेशली बनारसी साड़ी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको कोई भी वेडिंग पे या फिर कोई भी स्पेशल फंक्शन पे ऐसे साड़ी को वेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं वही दिखाऊंगी कि कैसे आप इसको ऐसे वेयर कर सकते हो बहुत ही ईजिली, और मैं कहूंगी कि आप ये जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें ही सीख लीजिए घर बैठे कि कैसे आपको साड़ी को ऐसे वेयर करना है, ताकि जब फ्यूचर में आपको जाना हो कोई भी वेडिंग फंक्शन पे, उसके पहले आपको सीखना ना पड़े। तो ये जो लॉकडाउन की समय है, आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए ऐसे कुछ नए नए चीज़ें सीखकर, अगर आपको नहीं पता है तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा। अगर अच्छा लगता है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और अगर आप नए हो चैनल पर, मुझे पहली बार देख रहे हो, देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल पोस्ट न्यू वीडियोज। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पल्लू का जो प्लीट्स है उसको हमें तैयार कर लेना है। तो इसके वजह से मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो पार है साड़ी का, मैं उसी हिसाब से मैच करके पल्लू बनाती हूँ। अगर छोटा है तो मैं वैसे ही फुल पल्लू को पहले प्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साड़ी पहनना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो बनारसी साड़ी है इसका जो पार है वो बहुत ही थिन है, तो आपको बहुत ही ध्यान से उन्हों प्लीट्स ऐसे बनाना है जैसे कि मैं बना रही हूँ। और आप ये कोशिश कीजिए कि जो पहला वाला प्लीट है इससे बाकी प्लीट्स थोड़ा सा छोटा हो, ताकि इधर उधर से निकल ना जाए प्लीट्स जब हम पहनेंगे साड़ी को, क्योंकि साड़ी का जो पार है वो बहुत ही थिन है, तो इसके वजह से इस साड़ी पे हमें 6 to 7 प्लीट्स आएंगे ऐसे। नेक्स्ट मैं ऐसा एक क्लिप लूँगी, इसको हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इस क्लिप से मैं प्लीट्स को ऐसे सिक्योर कर लूँगी। और इसके बाद हम जाएंगे नीचे के पोर्शन पे। अभी प्लीट्स को अच्छे से मैं असेंबल करूँगी, इट नीड सम टाइम, क्योंकि बहुत ध्यान से आपको ये पार्ट करना है। मैं फिर से एक बार एक और क्लिप से यहाँ पे सिक्योर कर रही हूँ। तो ऐसे आपको पल्लू को चेक कर लेना है कि हाइट ठीक ठाक है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से हाइट एकदम ठीक है। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगी कैसे आपको साड़ी को ड्रेप करना है, तो चलिए वो हम अभी देख लेते हैं। तो ये पार्ट तो नॉर्मल होता है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो पल्लू मैंने लिया था उसको मैं पीछे से लेकर ऐसे डाल दूँगी। अभी मैं यहाँ से ऐसे छोटे छोटे प्लीट्स करूँगी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा असेंबल कर लूँगी। तो अभी ये वाला पार्ट तो हो गया, अभी मैं इसको सिक्योर कर दूँगी लाइक दिस। जब हम नॉर्मल साड़ी पहनते हैं तो पल्लू को हम क्या करते हैं कि पीछे से लेकर ऐसे डाल देते हैं, बट इस वाली स्टाइल पे हम क्या करेंगे कि पल्लू को मैं ऐसे शोल्डर के ऊपर प्लेस कर दूंगी। ऑल राइट, पल्लू का जो ये राइट वाला पोर्शन है उसको हम लेंगे एंड ब्लाउज के पीछे हम यहाँ पे इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं पल्लू। अब पल्लू को हम एक सेफ्टी पिन की मदद से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, और अभी ये जो पल्लू की एकदम नीचे की पोर्शन है उसको हम ले लेंगे, और जो प्लीट्स मैंने बनाया था
उसके हिसाब से ही हम इस वाले पल्लू को असेंबल करेंगे। आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा ऐसा एक प्लीटेड डिज़ाइन आएगा जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब ये जो मैंने प्लीट्स लिया है इसको मैं अटैच कर दूंगी सामने, आप देख सकते हो पल्लू के दो तीन प्लीट्स के अंदर मैं इसको ऐसे अटैच कर दूंगी विद अ सेफ्टी पिन एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, आज की साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया हो एंड हेल्पफुल लगा हो। अगर पसंद आया हो देन प्लीज लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना आपको ऐसा वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले चैनल पे कभी भी ऐसा वीडियो नहीं डाला है। तो अगर आपको पसंद आता है और आपको हेल्पफुल भी लगता है देन प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर नए हूँ चैनल पर देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोज़। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।